एरवावी चलो चलो कहानी सुनने चले सब तैयार एक दो तीन कहानी का नाम है टक टक लेखिका विद्या प्रधान चित्र बनाए हैं रेशमा बर्वे और हिंदी में अनुवाद किया है मधुबाला जोशी ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है टक 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 सोनापुर के राजा पेटूचंद ने अपना सिर तकिए के नीचे दबा लिया पिछली रात स्वाद ले लेकर कुछ ज्यादा ही खाया गया बटर चिकन उनको परेशान कर रहा था और ऊपर से ये भयानक आवाज तुम्हें महल के काम इसी वक्त करवाने जरूरी है वो बुड़बुड़ाकर रानी सुरुचि से बोले लेकिन रानी तो उनकी बगल में लेटी अगले उत्सव का सपना देखती शांति से सो रही थी टक 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 क्या बकवास है पेटूचंद ने कहा मैं राजा हूं और मैं इस टक टक की आवाज को फौरन बंद करने का हुक्म देता हूं वो उठे और अपनी तोंद पर राजसी कमरबंद कसते हुए द्वार खोला संतरी घबराए से इधर उधर देख रहे थे ये क्या शोरगुल हो रहा है राजा ने गुस्से से अंगरक्षकों से पूछा श्रीमान हमें पता नहीं अंगरक्षक कांपते हुए बोले हम इस शोर मचाने वाले की तलाश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई मिला नहीं है बेवकूफ राजा बड़बड़ाए अगर तुम लोगों ने अगले 5 मिनट के अंदर उसे ढूंढ नहीं लिया तो मैं तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगा वो चिल्लाए टक 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 रक्षकों ने तुरंत सेनापति रणवीर सिंह को बुलाया वो 6 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा था उसकी लंबी घुंघराली मूछें सभी को डराती थी साहब मेहरबानी करके जरा इस टक टक की आवाज करने वाले को ढूंढने में हमारी मदद करो नहीं तो हम सबकी नौकरी चली जाएगी संतरी गिड़गिड़ाए बेवकूफ रणवीर बुदबुदाया उसने सिपाहियों की एक टोली बनाई टक 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 तैयार जवान जाओ और फौरन इस घुसपैठियों को ढूंढ निकालो उसने आदेश दिया वे महल के चारों तरफ ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे उन्होंने सारी खिड़कियों में झांककर सोते हुए बच्चों को डरा दिया तमाम बक्सों को खोला और सभी दीवारों को ठकठकाया कुल मिलाकर उन्होंने इतना हो हल्ला किया कि उस रात महल में कोई सो नहीं पाया टक 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 अगले दिन राजा देर से जागे और दरबार में देर से पहुंचे उनके सामने पहला मामला पेश किया गया 2 लोग एक गाय पर अपना अपना अधिकार दिखा रहे थे ये मेरी है पहले व्यक्ति ने कहा नहीं मैं इस गाय का दूध 2 सालों से दूह रहा हूं दूसरे ने कहा अच्छा जी मैं तो इस गाय के दूध की बनी हुई मिठाइयां 3 सालों से देवी को चढ़ा रहा हूं पहले ने कहा मेरा सिर दुख रहा है राजा ने प्रधानमंत्री चिंतामणि से कहा रात को खाया मुर्गा अभी तक पेट में कुड़कुड़ कर रहा है ऐसा करो गाय के 2 हिस्से करके दोनों को आधा आधा दे दो मैं उनकी शिकायत नहीं सुनना चाहता ओहो महाराज बात यह है कि झगड़ा गाय को लेकर है चिंतामणि बुदबुदाया उसके 2 हिस्से करना कोई समझदारी की बात नहीं चिंतामणि के ढेरों कामों में राजा पेटूचंद को बेवकूफी भरे फैसले ना सुनाने देने का भी काम शामिल था थके या भूखे होने पर राजा पेटूचंद
अक्सर ऐसे फैसले सुना देते थे। इसी चिंता से चिंतामणि समय से पहले ही गंजे हो गए थे। माथे पर हाथ मारते हुए राजा बोले, ओहो, तुम ठीक कह रहे हो। जरा बताओ कि 3 रातें बिना सोए मैं एक न्यायी और बुद्धिमान राजा कैसे बना रह सकता हूं? राजा पेटूचंद ने चिंतामणि को टकटक की आवाज के बारे में बताया। राहत से मुस्कुराते हुए मंत्री जी बोले, मुझे पता है कि इस मामले में सही मदद कौन कर पाएगा। उस रात जब सब लोग सो चुके थे, तब वो चिड़ियाघर के दरोगा पशुपति को राजा के पास लाए। ये आवाज सुनते ही पशुपति अपने घर को दौड़ा और एक पिंजड़ा और कीड़ों से भरा एक कटोरा लेकर लौटा। पशुपति ने शाही बढ़ई से वहां पर एक छेद करवाया जहां से आवाज सुनाई दे रही थी। उसने कीड़ों से भरा कटोरा छेद के पास रख दिया। सभी लोग जरा पीछे हट गए। सन्नाटा छा गया। लंबी पीली चोच वाला एक लाल और भूरा पंछी फुदककर छेद से बाहर निकला और कटोरे में कूद गया। खटाक! पिंजड़ा पंछी पर आ गिरा। राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, इतना नन्हा सा पंछी और इतना जोर का शोर, आप सबका धन्यवाद, आपने देश की बहुत बड़ी सेवा की है। अगली सुबह तरोताजा राजा जल्दी ही दरबार में पहुंच गए। चिड़ियाघर का दरोगा पशुपति राजा के सामने खड़ा था। महाराज, मैं इस पंछी को नहीं रख सकता। क्या हुआ? राजा ने पूछा। टकटक की आवाज से चिड़ियाघर का एक भी जानवर रात भर सो नहीं पाया। अब सब जानवर सो रहे हैं और चिड़ियाघर देखने आए बच्चे जानवरों को सोता देख बेहद दुखी हो रहे हैं। राजा ने कहा। वो सोच रहा था कि पंछी के मांस के अच्छे टिक्के बन सकते हैं या नहीं। चिंतामणि ने मजबूती से कहा, नहीं महाराज, हम पंछी को मार नहीं सकते। वो राजा के विचार अच्छी तरह समझ लेता था। ये बहुत ही दुर्लभ पंछी है और भाग्यशाली माना जाता है। राजा ने पूछा, तो फिर इसका क्या किया जाए? अगर जानवर ये शोर नहीं झेल सकते, तो मेरी प्रजा भी ये शोर बिल्कुल नहीं झेल सकती और हमारे देश के लोग उनिंदे नहीं रह सकते। दूसरा मंत्री हिम्मत करके आगे आया। महाराज, मैं इस पंछी को रखना चाहता हूं। मेरे यहां हाल ही में लड़का हुआ है जिसके रोने के कारण हम रात भर जगे रहते हैं। ओहो! चिंतामणि चिल्ला उठा। हमें इस पंछी के लिए कोई सही जगह खोजनी होगी। हमें टकटक पंछी के लिए ऐसी जगह तलाशनी चाहिए जहां कोई भी रात भर सोता ना हो। मुझे उपाय मिल गया है। और यूं सीमा की पहरेदारी करने वाली पलटन का साथ देने के लिए टकटक पंछी सोनापुर के महल से बाहर बहुत दूर भेजा गया। उसने हर रात सीमा पर जवानों को जगाए रखने का काम इतने बढ़िया ढंग से किया कि उसे देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। सैनिकों की चुस्ती के कारण राजा के दुश्मन सोनापुर के पास भी नहीं फटक पाते थे। वे भुनभुनाकर कहते कि इस देश का नाम सोनापुर के बजाय जापुर रख देना चाहिए। कहानी खत्म। मुझे और एक सुनिए, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियां? तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर। एरवावी एरवावी।